एनडीए सरकार ने बिहार का कोना कोना इन 15 वर्षों में नए सड़कों से जोड़ा है। एक वह समय था जब बिहार किसी एक कोने से पटना सफर पहुंचने में दिन भर का समय लग जाता था, जबकि आज वह 5-6 घंटों में ही संभव है। लालू जी के राज्य में पगडंडियों और सड़कों में कोई अंतर नहीं नजर आता था, दोनों एक जैसे ही जर्जर थे। हमारी सरकार ने गांव गांव को सड़कों से जोड़ा है। आज महात्मा गांधी सेतु कैब स्ट्रीम लेन के सुपरस्ट्रक्चर के प्रतिस्थापन का लोकार्पण हुआ। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अब उत्तर बिहार के दक्षिण बिहार जाने वाले के लिए वालों के लिए आवागमन बहुत ही आसान हो जाएगा। इस पुल के बनने की खुशी वह जनता अच्छी तरह जानती है जिसने ना जाने कितने घंटों के जाम को झेला है। 1743 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल की लंबाई 5575 मीटर है। इसके अलावा भी इन 15 वर्षों में एनडीए सरकार ने अंग्रेज सड़कों का निर्माण पुलों का जाल बिछाया है। हमारी इस सरकार ने शेखपुरा से जगदेवपुर तक सूबे के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण करवाया। इसकी कुल लंबाई 2350 मीटर 321.39 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल ने आवागमन काफ़ी आसान बना दिया। दूसरी ओर बिहार के गोपालगंज जिले में 263 करोड़ की लागत से 17 घाट पुल का निर्माण हमारी सरकार ने करवाया था। इस पुल ने बिहार और नेपाल की दूरी कम कर दिया है। कुछ दिनों पहले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी इस पुल के ढहने की भ्रामक खबर तेजी से फैला रहे थे, लेकिन वह उसमें असफल रहे। 2005 तक बिहार में पुलों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज पूरे राज्य में पुल पुलियों का जाल बिछा है और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लालू राज्य में इतना ही बिहार को लाचार बना दिया था।